इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी पहलवान एक नाबालिग सहित सात पहलवानों के कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में WFI चीफ की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर डकैत के शामिल होने की बात की जा रही है। किसान नेता जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन का 15 दिन है और आज जो दिल्ली में महापंचायत हो रही है उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पे मौजूद है। खाप पंचायतें हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से जो विनेश फोगाट है जो की लगभग 10 दिनों ज्यादा हो गए हैं जो प्रदर्शन कर रही है बृजभूषण के खिलाफ, वो जो समर्थक आए हैं उनसे मिलने आई है। तो लगातार देखिए मांगा गया था रेसलर्स की तरफ से कि सपोर्ट करा जाए उनको और इसी को देखते हुए अब जो विनेश फोगाट है वो यहाँ पर आई हैं और जो लोग आए हुए हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनका धन्यवाद कर रही हैं कि वो इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं उनका समर्थन करने के लिए। लगातार देखिए लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खाप पंचायतें हैं, किसान यूनियन है, जो मजदूर यूनियन है वो भी आ रहे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे कई दिन से पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो समर्थन है वो लोगों का मिल रहा है और इसी के बीच अब विनेश फोगाट जो है वो मुलाकात कर रही हैं जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे। काफी लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग जो हैं वो आए हुए हैं और उनसे मिलने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसी बीच आप देखेंगे कि और लोग जो है वो धीमे धीमे लगातार यहाँ पर जंतर मंतर पे आएंगे और पहलवानों को अपना जो सपोर्ट है वो देने की कोशिश करेंगे।